चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने इस चुनाव में 90,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजनारायण सिंह पुन्नी की हार हुई है। पुन्नी अपनी हार स्वीकार कर मतगणना केंद्र से निकल गए। इस सीट पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा लोकसभा सीट खाली हुई थी। इसके बाद उपचुनाव हो रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि यहां से पार्टी नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को टिकट देगी, मगर पार्टी ने उनके बेटे का टिकट काटकर ज्ञानेश्वर पाटिल पर दाव लगाया था। ज्ञानेश्वर पाटिल को यहां बड़ी जीत मिली है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां से 2 लाख से अधिक वोटों से जीत मिली थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह